के चोर गिरफ्तार, खुफिया आधार पर मिली जानकारी पर कार्यवाही, आरोपियों ने कबूला गुनाह। नवम्बई पुलिस ने आज तुरभे इलाके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर कोपड़ खैरने की एक मोबाइल शॉप और कपड़े के मॉल से सामान चोरी करने का आरोप है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कम कीमत में सामान बेचने के लिए ग्राहक की खोज कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की और एक खुफिया ऑपरेशन चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कोपड़ खैरने की दुकान और मॉल से चोरी करने की बात कबूल की है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रिजवान महबूब खान और जावेद शाहजहान खान है। आरोपी सिलफाटा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन दोनों पर चोरी और जालसाजी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। 16 अक्टूबर के रात में तलोजा पुलिस स्टेशन हद्दी में मोबाइल शॉप का दुकान, उसका शटर उखाड़ के अंदर के जो मोबाइल्स थे और एसेसरीज थी वो चोरी करके चोरों ने लेके गए थे। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच को मिलने के बाद तुरंत क्राइम ब्रांच यूनिट 1 सीनियर पीआई निकम, एपीआई राग, एपीआई कदम, हेड कांस्टेबल पाटिल, हेड कांस्टेबल चौहान मोरे, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से संशयित को पकड़ने की कोशिश जारी की। 7 घंटे के अंदर में इसमें का ये मेन आरोपी जो है वो पकड़ा गया। उसके ताबे में करीबन 52 मोबाइल्स और एक्सेसरीज पुलिस ने रिकवर की है। उसके इंट्रोगेशन में उन्होंने 14 तारीख और 15 तारीख के रात में एक कपड़े का दुकान इसी तरीके से लूटा था। उनके पास वो कपड़ा और वो दुकान में से लूटा हुआ माल मिल गया। वही आरोपी ने उसकी भी कबूलात दी। करीबन 1,17,000 रुपये का मुद्देमाल पुलिस ने आरोपी के तरफ से आरोपी के पास से हस्तगत किया है। ये बहुत प्रशंसनीय कार्रवाई है यूनिट 1 के पुलिस ऑफिसर्स और उनके साथी ने की हुई। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,17,000 का माल जब्त किया है। आरोपी रिजवान इससे पहले भी कई मामलों में जेल की हवा खाकर आ चुका है। वह एक शातिर अपराधी है जो भेष बदलकर अपराध को अंजाम देता है। उस पर लगे आरोपों को देखकर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे आरोपियों को हर बार जमानत कैसे मिल जाती है। स्पेशल डेस्क TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।